तो भाई लोग, अब तक आपने इन्फिनिक्स का हॉट सीरीज का फोन देखा, हॉट 35G, नोट सीरीज का भी देखा, नोट 35G, GT सीरीज का GT 10 Pro 5G को भी देखा, और साथ में जीरो सीरीज का जीरो 35G को भी देखा। सारे स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग आपको चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन एक सीरीज बच जाता है भाई, जो है स्मार्ट सीरीज। इन्फिनिक्स लास्ट ईयर इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 सीरीज को लॉन्च किया था, अब उसका सक्सेसर इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है दोस्तों। तो यहां पर आज के इस वीडियो में इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और सच बताऊं तो फोन का डिजाइन एक्चुअली में काफी अच्छा रखा है, ब्यूटीफुल डिजाइन यहां पर प्रेजेंट किया है इन्फिनिक्स ने, और साथ में दोस्तों फीचर्स भी काफी अच्छा रखा है, प्राइस काफी कम मतलब रखा गया है। सब कुछ बताऊंगा इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 के बारे में आज की इस वीडियो में दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, लाइक का टारगेट 1000 सेट करता हूं, उससे ज्यादा ही आप लोग कंप्लीट करवा दोगे। देखो भाई, मोबाइल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, हर तरफ अभी सेल चल रहा है, फ्लिपकार्ट अमेजोन जहां पर भी चेक करोगे, लेकिन सही डील आपको मिल नहीं पाता है। मतलब आप ढूंढ ही नहीं पाते हो कि भाई सही डील कहां पर मिलेगा। मैं आपको एक ऐसा जगह बताने वाला हूं जहां पर 30,000 का एक HP का प्रिंटर सिर्फ और सिर्फ 2900 में इससे पहले मिला है, 2500 का निक्सु 372 में इससे पहले मिला है, 2199 का एक ईयरबड्स जो कि सिर्फ और सिर्फ 26 मिला है, 90-95% का डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट डील भी आता है यहाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सारे डील का पता कैसे चलता है, तो आपको सिर्फ टेलीग्राम पे जाके भाई लूट अनलिमिटेड डील्स चैनल को ज्वाइन करना है। और सेल के टाइम में तो डील भाई आपको यहाँ पर मिलता ही रहता है, लेकिन नॉर्मल डे में भी यहाँ पर ऐसा ऐसा डील लाके देता है ना, जो कि आप देखने के बाद शॉक्ड हो जाओगे। और यहाँ से शॉपिंग करना भाई बहुत ही सेफ है, क्योंकि ये सारे डील ना फ्लिपकार्ट और अमेजोन का ही रहता है। और अभी तो फ्लिपकार्ट में दिवाली सेल चल रहा है, अमेजोन पे ग्रेट इंडियन डे सेल चल रहा है, तो आप सोच सकते हो कि भाई अभी कितना ज्यादा आपको डील्स वहाँ पर मिलने वाला है। जाओ भाई, देर मत करो, अभी ज्वाइन कर लो भाई लूट अनलिमिटेड डील्स टेलीग्राम चैनल को। भाई उस चैनल का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आपको सबसे पहले मिल जाएगा वो लिंक। कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट बॉक्स में ही आपको मिलेगा सबसे पहले। और फिलहाल तो मैंने भी इस चैनल को भाई फॉलो करके रखा है, बाकी खुद भी करो और दोस्तों को भी बताओ भाई, ये चैनल बहुत ही ज्यादा फायदा का है, आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा सेव करवा के देता है। अब चलिए गाइस, टॉपिक में हम लोग नोट के आते हैं भाई, इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो सबसे पहले फोन का डिजाइन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखने में फोन काफी खूबसूरत है भाई, जो कि आप स्क्रीन में देख ही सकते हो भाई। यहाँ पर आपको अलग अलग कलर वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा, बैक साइड में कैमरा मॉड्यूल दिया गया है दोस्तों, वो एक्चुअली में काफी अच्छा लग रहा है देखने में। और बैक साइड में आपको इन्फिनिक्स का ब्रांडिंग भी मिल जाएगा, और यहाँ पर कलर वेरिएंट मुझे काफी पसंद आया इस बार। बाकी फोन भाई काफी स्लिम रहने वाला है, लेकिन इस फोन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, जिस बजट में ये फोन आया है 7,000 के आसपास के बजट में आएगा, और इस बजट में दोस्तों पंच होल डिस्प्ले देना एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले आपने इंडिया पे जितना भी फोन देखा था ना, वो वाटर ड्रॉप नोच डिस्प्ले के साथ आता था, लेकिन इस बार दोस्तों इस फोन में पंच होल डिस्प्ले दिया है, और जिसमें आपको डायनामिक पोर्ट मिल जाता है भाई। डायनामिक पोर्ट इतना सस्ते फोन में इससे पहले तो मुझे देखने को नहीं मिला था, जो कि आईफोन वगैरह में हमें देखने को मिलता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो चीज भी आपको इस फोन में मिल जाता है। लुक और डिजाइन के मामले में यहाँ पर इन्फिनिक्स ने कोई भी कमियां नहीं छोड़ा है दोस्तों, लेकिन आप लोग एक काम करो भाई, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताना कि भाई इसका डिजाइन आपको स्पेशली कैसा लगा, मतलब फ्रंट और बैक दोनों साइड से। बाकी चलिए यहाँ पर वन बाय वन जो फीचर्स वगैरह दिया है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 8GB का रैम दिया गया है 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, भाई ये सबसे बड़ी बात है, मतलब ये मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि 8GB का रैम जो है भाई 4GB का इंटरनल रैम है और 4GB का वर्चुअल रैम है, कुल मिला के 8GB और 128GB। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि भाई यहाँ पर जो स्टोरेज है 128GB वो भाई UFS 2.2 का स्टोरेज है, मतलब बढ़िया क्वालिटी का दिया गया गाइस। लेकिन गाइस यहाँ पर बैक साइड में जो कैमरा दिया गया है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि इस बजट में हमें अच्छा कैमरा मिलता नहीं है, बट इस फोन में बैक साइड में ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है, जहां पर मेन सेंसर भाई 13 मेगापिक्सल है, साथ में एक AI सेंसर और LED लाइट भी दिया गया है। फ्रंट में दोस्तों 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है, जो कि मुझे लगता है काफी बढ़िया बात है, मतलब इस बजट में 5 ही दिया जाता है ज्यादातर। 8 मेगापिक्सल के साथ ड्यूल आपको LED लाइट भी फ्रंट में मिल जाता है। मतलब उसके बाद दोस्तों इस फोन का और एक चीज जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो है भाई यहाँ पर सिक्योरिटी में, मतलब साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देना, क्योंकि इस बजट में कुछ फोन में तो फिंगरप्रिंट हमें मिलता नहीं है, कुछ फोन में मिलता है तो भाई बैक साइड में दिया जाता है, बट इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, जिसके वजह से फोन का लुक थोड़ा सा अच्छा लगता है गाइस, देखने में अच्छा लगता है। और साथ में फ्रंट में फेस अनलॉक का सपोर्ट भी दिया गया है। और एक चीज मुझे काफी अच्छा लगा भाई यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई पंच होल डिस्प्ले है वो तो काफी अच्छी बात, लेकिन डिस्प्ले का साइज भाई 6.6 इंच का है, जो कि परफेक्ट साइज है। और ये डिस्प्ले एक HD रेजोल्यूशन मतलब IPS LCD पैनल है 720 पिक्सल वाला, लेकिन 90Hz का रिफ्रेश रेट देना भाई इस बजट में काफी बड़ी बात है। इस फोन में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है, जो कि मुझे लगता है एक प्लस पॉइंट कह सकते हो। उसके बाद दोस्तों और एक चीज मुझे इस फोन का काफी अच्छा लगा भाई, दो स्पीकर है, मतलब ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट दिया गया है। इस बजट में सिंगल स्पीकर भी ढंग पे हमें नहीं मिलता है, बट यहाँ पर दो स्पीकर है और साथ में DTS का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। साउंड क्वालिटी
आपको बढ़िया मिलेगा। अब उसके बाद दोस्तों बैटरी में ध्यान दोगे भाई, 5000 mAh का बैटरी दिया है फोन में, मतलब आराम से एक दिन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10W का आपको चार्जर मिल जाता है टाइप सी पोर्ट के साथ। इस बजट में कुछ ऐसा भी फोन है जहां पर टाइप सी नहीं दिया जा रहा है, बट यहां पर टाइप सी पोर्ट भी दिया गया है। और साथ में दोस्तों एंड्रॉइड 13 के साथ आया है, इंफिनिक्स का OS X OS आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन चिपसेट की बात करें गाइस, तो यहां पर चिपसेट भी डिसेंट सा चिपसेट है, मतलब ऐसा नहीं है कि बकवास चिपसेट यहां पर चिपकाया गया है। यूनिसॉक T606 का चिपसेट है दोस्तों, यहां पर आराम से हर काम कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ छोटा मोटा गेम भी खेल सकते हो, फ्री फायर भी आप रन करा सकते हो, लेकिन हेवी गेमिंग में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपको आराम से सब काम करवा के देगा, नॉर्मल डिसेंट जो भी काम रहता है। तो मुझे ये सारे फीचर्स एक्चुअली में काफी बढ़िया लगा, लेकिन आपको यहां पर फीचर्स वगैरह कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। ये कंप्लीट फीचर्स यहां पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 में दिया गया है। तो अब बात करते हैं भाई यहां पर प्राइस का। देखिए प्राइस की बात करें तो मेरे ख्याल से प्राइस भाई 7000 के आसपास होगा, मतलब जो स्टार्टिंग वेरिएंट होगा वो 7000 के आसपास के बजट में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल ये फोन दोस्तों लॉन्च तो हो चुका है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया में जैसे कि नाइजीरिया में, गाना में लॉन्च हुआ है, लेकिन इंडिया पे डेफिनेटली ये फोन बहुत ही जल्द 1 महीने के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, और 100% इसका अनबॉक्सिंग भी आपको मिलेगा। अगर आप अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो कॉमेंट जरूर करना गाइस। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेके आता हूँ, इसी बात पर भाई वीडियो को जरूर से लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको भी सबसे पहले अपडेट चाहिए होता है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी अपडेट नेक्स्ट टाइम आएगा या फिर जो भी नया नया फोन का आएगा ना, वो अपडेट आपको हमेशा मिलता रहेगा। और लूट अल्टीमेट डील्स का जो चैनल है उसका लिंक भाई नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने डाल दिया है, वहां पर जाके आप चेकआउट कर लेना। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।